हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर वन मैप एंड ग्लोब। मैप बच्चों एक ड्राइंग होता है किसी भी एरिया की। मैप को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। मैप क्या है? किसी भी एरिया की, किसी भी इलाके की एक ड्राइंग होती है। ग्लोब जो होता है ये पूरे अर्थ का, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसका मॉडल होता है। जिस तरह से जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में होता है, एक बॉल के शेप में होता है, उसी तरह से जो ग्लोब होता है उसको भी स्फेरिकल शेप में बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ग्लोब को आपने स्कूल्स में, ऑफिस में देखा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दिखाया गया है ग्लोब का। ये ग्लोब है और आप देख सकते हैं इसको अर्थ के ही सिमिलर डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह से अर्थ का शेप स्फेरिकल है उसी वे में हमने डिज़ाइन किया है ग्लोब को। ये दोनों हमें, मैप और ग्लोब, हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, हम धरती ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन को संभव बनाता है। आवर अर्थ हैज़ लैंड मैसेस एंड वाटर बॉडीज। पृथ्वी पर भूमि भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है और वाटर बॉडीज यानी कि जल भी मौजूद है। अर्थ के शेप की बात करेंगे। हेडिंग लिखा है यहाँ पर द शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का शेप कैसा है? पहले के ज़माने में लोग बिलीव करते थे कि अर्थ एक प्लेट की तरह फ्लैट होता है, चपटी होती है, बट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ का जो शेप है फ्लैट नहीं है, अर्थ का शेप स्फेरिकल है। लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट। पुराने ज़माने में अर्थ को फ्लैट समझा जाता था, चपटा समझा जाता था। फर्डिनेंड मैगेलन अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर सेल्ड फ्रॉम स्पेन इन 1519 एंड वन ऑफ हिज शिप्स रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे, खोजी थे, उन्होंने अपने जहाज, उनके जो जहाज थे उन्होंने अपना जहाज स्पेन से 1590 में चलाया समुद्र में, और उनके जहाज़ों में से एक जहाज सफ़र करते हुए पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर वापस आ गया जहाँ से वो चला था। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। और इससे ये बात साबित हुई कि अर्थ है जो राउंड है, गोल है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस शोड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। पिक्चर्स, वो तस्वीरें जिनको हमने अंतरिक्ष से, स्पेस से खींचा, वो तस्वीरें भी ये बात साबित कर रही हैं, ये प्रूव कर रही हैं कि अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। नाउ वी नो, आज हम जानते हैं दैट द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिस एंड बल्जिस आ लिटिल इन द मिडल। आज हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो टॉप पर अपने ऊपरी भाग पे थोड़ी सी चपटी है और निचले भाग पर भी थोड़ी सी चपटी है, बट ये मिडिल में थोड़ी सी उभरी भी है। उभरी का मतलब होता है बाहर निकली हुई है, उठी हुई सी है। व्हाट इज ग्लोब? अब हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है। द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस विच मीन्स राउंड मैस। जो शब्द हम ग्लोब यूज़ करते हैं ये लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से निकल कर आया है। ग्लोबस से ही हमने ग्लोब वर्ड को निकाला है, और ग्लोबस का मीनिंग होता है राउंड मास, यानी कि कोई भी गोल मास, एक कोई गोल पिंड या कोई गोल हेवनली बॉडी, उसको हम कहते हैं राउंड मास। टू स्टडी द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे वी यूज़ अ ग्लोब। अर्थ को एक सिंपल वे में और एक एक्यूरेट वे में अध्ययन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लोब की।
तो ग्लोब क्या हुआ, ग्लोब एक नमूना हुआ, एक मॉडल हो गया अर्थ का, जो हमें हेल्प करेगा अर्थ को स्टडी करने में। इट गिव्स अस शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। ये हमें अर्थ पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों ओशियंस महासागरों के शेप और साइज और की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाउएवर द ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशन। हालांकि जो ग्लोब होता है इसकी इसमें भी कुछ कमियां हैं, मतलब ये भी हर तरह से हर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इट इज़ टू लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड, हम इसको हर जगह नहीं ले जा सकते। इट इज़ इफ़ इट इज़ टू स्मॉल, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा होता, वी कैन नॉट सी डिटेल्स, तब हम इस पर जो इंफॉर्मेशन, हम उन इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर पाते। तो इसको हमें बड़ा ही बनाना पड़ता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को देख सकें, पढ़ सकें। बट इसको अगर हम छोटा बनाएंगे तो हम इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे, इसलिए इसको बड़ा ही रखना पड़ता है। और बड़ा होने की वजह से ये हर जगह पर कैरी नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब टू शो ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के कुछ पार्ट को, किसी एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ग्लोब का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे अर्थ को ही इस पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोब होता है, हम एक बार में अर्थ का 1/2 देख सकते हैं, मतलब अगर हम ग्लोब के सामने हैं तो हम अर्थ का 1/2 एक बार में देख सकते हैं। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट वन टाइम ऑन ग्लोब, वी हैव टू रोटेट इट टू सी द अदर पार्ट्स। अगर हमें दूसरे पार्ट्स को भी देखना है तो सिंपली वहाँ पर रोटेशन के लिए एक्सिस लगाया होता है, हम उस एक्सिस की हेल्प से अर्थ को, उस ग्लोब को रोटेट करके अर्थ के दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैप, मैप क्या होता है। यहाँ लिखा है अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। किसी भी फ्लैट सरफेस पे, किसी भी समतल पे, चाहे वो कागज़ हो, लकड़ी हो, या कपड़ा हो, उस पर अगर हम अर्थ के किसी एक पार्ट को अगर हमें दिखाना हो तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। अ पर्सन हु मेक्स मैप इज़ नोन एज कार्टोग्राफर। वो व्यक्ति जो मैप डिज़ाइन करता है, मैप बनाता है, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। और जो मैप्स की बुक होती हैं उस बुक का हम नेम रखते हैं, उसको हम बुलाते हैं एटलस। अ मैप इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज़ ईजी टू कैरी अराउंड। मैप बहुत ज़्यादा आसान होता है, मैप बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, तो मैप इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इट गिव्स अस डिटेल्ड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सच एज फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, लेक्स, वैलीज, ETC, ह्यूमन मेड फैक्ट्रीज एंड रोड्स, एयरवेज, टाउन, सिटीज, ETC। तो मैप पे हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं उस डिटेल्स को, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ पर हैं, लेक्स कहाँ हैं, वैलीज कहाँ हैं, और ह्यूमन मेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें हम फैक्ट्रीज को, रोड्स को, टाउन्स को ईजली लोकेट कर सकते हैं। इवन अ स्मॉल एरिया कैन बी इनलार्ज्ड एंड शोन ऑन द मैप। मैप का फ़ायदा ये भी है कि मैप पे हम एक छोटे से एरिया को भी बड़ा करके स्पष्ट रूप से उसको हम दिखा सकते हैं। बट अ मैप कैन नॉट शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन मैप एक अर्थ की, ज़मीन की, धरती की सही शेप को नहीं दर्शा सकता, नहीं दिखा सकता।
बिकॉज यू कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस, क्योंकि आप अर्थ की सरफेस को चपटा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैप होता है वो फ्लैट होता है बट अर्थ तो स्फेरिकल है, इस वजह से हम कंप्लीट अर्थ को, पूरी अर्थ को मैप पर नहीं शो कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, अलग अलग तरह के बच्चों मैप्स होते हैं, अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। तो मेनली देर आर थ्री क्लास ऑफ मैप्स। फर्स्ट क्लास इज फिजिकल, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल एंड द थर्ड टाइप इज थीमेटिक। सो व्हाट इज फिजिकल मैप्स? फिजिकल मैप्स आर दोज मैप्स विच शोज फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेचूस, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स इन डिफरेंट हाइट्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स ईटीसी। फिजिकल मैप्स ये होते हैं जो किसी सरफेस के, किसी भी अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको शो करने के लिए यूज़ होते हैं। फिजिकल फीचर्स में शामिल हैं माउंटेन्स, अगर हमें पर्वतों को दर्शाना है हम यूज़ करेंगे फिजिकल मैप। हमें प्रायद्वीप, रेगिस्तान, मैदान, नदियाँ अगर दर्शाना है तो हम उसमें अलग अलग कलर्स के यूज़ से, अलग अलग रंगों के यूज़ से फिजिकल मैप में ही दर्शाएंगे। तो फिजिकल मैप का यूज़ क्या होता है ये आप यहाँ से लर्न कीजिए। इसके बाद है पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं पॉलिटिकल मैप शोज द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक जो मैप होता है, मानचित्र होता है, वो ये दिखाता है कि एक देश की बाउंड्री कहाँ तक है और वहाँ से दूसरा कंट्री शुरू, कौन सा कंट्री शुरू हो रहा है और एक कंट्री की बाउंड्री दूसरे कंट्री से, किन कंट्री से मेल खा रही है, उससे मिल रही है। जो पॉलिटिकल मैप होगा वो वर्ल्ड को वर्ल्ड का डिवीज़न करता है, दुनिया को बांटता है पॉलिटिकल बेसिस पे। जिस तरह से हर कंट्री में, हर स्टेट में पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, तो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की जो रूलिंग पावर है वो किस हद तक है, उस बाउंड्री को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलिटिकल मैप का। जिस तरह से सामने, हमारे सामने ये एक मैप है और इसके पास में हम देख पाएंगे, अगर हमारे पास एक बड़ा मैप होता है, एक वर्ल्ड मैप होता है, उस वर्ल्ड मैप में हम देख पाते कि इंडिया के पड़ोस में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, बट यहाँ पर ये केवल भारत का ही मैप है। यहाँ लिखा है मैप को हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं थीमेटिक मैप्स के बारे में। थीमेटिक मैप्स फोकस ऑन सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स ईटीसी। थीमेटिक मैप्स हम उन मैप्स को कहते हैं जिन मैप्स में हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे रेनफॉल कितना हो रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, रोड्स कैसे हैं, रेलवेज कितने हैं, मिनरल्स कौन कौन से वहाँ पाए जाते हैं, क्रॉप्स कौन कौन से पाए जाते हैं वहाँ पर। इस तरह की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम जिस मैप का यूज़ करते हैं वो हमारा थीमेटिक मैप होता है। तो यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है ये थीमेटिक मैप है, और यहाँ पर जो दूसरा मैप दिया है जिसमें हमने भारत के अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को भी दिखाया है, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। इसी तरह से वर्ल्ड मैप होता है जो अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं, और ये हमारा थीमेटिक मैप दिया हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक मैप को किस तरह से रीड किया जाता है। रीडिंग अ मैप, एक मैप को पढ़ना। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप टू फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। हमें मैप को पढ़ना आना चाहिए जिससे हम वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जो मैप में अवेलेबल हैं। मैप को पढ़ने के लिए आपको मैप की लैंग्वेज आना चाहिए। मैप की एक भाषा होती है, इस भाषा में शामिल होते हैं साइंस, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स, स्केल, पैमाना होता है हर मैप का एक, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम मैप पे डायरेक्शंस फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।